લોકો જમવા જઈ રહ્યા છે, બપોરનું ડિનર કરવાનું. હવે બહુ ભૂખ લાગી છે, હવે અમે બધા લોકોને જમવાની તૈયારી કરાવી રહ્યા છીએ. હવે તમે જોઈ રહ્યા છો કે અમે જમવાનું શરૂ કરાવી દીધું છે, બહુ ભૂખ લાગી છે. હા ભાઈ, જમવાનું પણ ખૂબ સરસ છે. માંડુ જાઓ ત્યારે આ વિરાસત હોટલની અંદર ફરજિયાત જજો. ત્યાં ખૂબ જ લોકો સારા છે, માણસોનો સ્વભાવ પણ સારો છે, અને તમને ઘરની જેવું જમવાનું આપશે. તેમજ તે લોકોને હોટલ છે તે પણ ખૂબ જ સુંદર ક્લિયર હોય છે. હવે લોકો અમે આનંદ જમવાનું ઉઠાવીએ છીએ. જો આ બધા કેવા બધા સરસથી જમે છે, અને આ જાણે અમારું ગજાનંદ ગ્રુપ જે અહીંયા આવીને પહોંચ્યું છે અને બધા લોકો જમે છે સાથે અને ખૂબ જ એન્જોય લઈ રહ્યા છે. જેમ કે આપણે કેમ સોસાયટીની અંદર જમતા હોય એમ આ અમારું પોતાનું લાગે છે, એવું અમને લાગી રહ્યું છે. કેમ શાંતિથી જમજો બધા. મંત્ર તો જમે છે બચ્ચા પાર્ટી પણ આવી ગઈ છે. હાય બચ્ચા પાર્ટી, સરસ. નિલેશભાઈ, નિલેશભાઈ તો જમવામાં જ મસ્ત છે. નમ્રા બા કેમ છો બધા? નંદાભાઈ ખૂબ જ બધા શાંતિથી જમે છે અને ખૂબ સરસ મજા આવે તેવું વાતાવરણ પણ છે, જગ્યા પણ છે અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન પણ છે. હવે ચતુર કાકા અમારા, પરેશભાઈ તેમજ આ ભોલો છે, બધા જ જમી રહ્યા છે અને બધા જ કેમ એકબીજાને વ્યવસ્થિત રીતે કોઈને અગવડ ના પડે તેવી રીતે જમી રહ્યા છીએ. હવે હું પણ જમવા બેસી જાઉં. મારી પાસે આ બસનો સ્ટાફ પણ જમવા બેઠો છે, એમને પણ ખૂબ મજા આવે અમારી સાથે. पॉइंट देखने के लिए आए हैं, जिसको जिसको हमाम के नाम से जाना जाता है. इसका एक हिस्सा मौजूद है जो अपन लोग देख रहे हैं, बाकी के इस साइड के पूरे हिस्से गिर चुके हैं. और ये जितने था उसके बीच सेंटर में अष्ट धातु की प्लेटों का टैंक बना गया था. फिर ऐसा स्टोन रखा गया था कि हल्की सी भी धूप पड़ती थी स्टोन पर पानी नीचे का गर्म होता था, और उसको फिर छोटी छोटी नहरों द्वारा नहाने की जगहों तक ले जाया जाता था. दो नहर एक जैसी बनाई गई है, जिसको भी पानी गर्म यूज करना होता था. वहाँ कुछ सिस्टम दे रखे थे ओपन करने के और क्लोज करने के. 24 घंटे वहाँ पर पानी आता जाता रहता था. ऐसा नहीं होता था कि कोई नहाने जा रहा हो तो पानी का बोलना होता था, नहीं. 24 घंटे वहाँ पर पानी आता जाता रहता था. यूज़ करना हो तो वहाँ कुछ उन्होंने वो दे रखे थे ओपन करने के और क्लोज करने के. गर्म पानी का केवल एक यही जगह होती थी. उधर बैक साइड में टैंक बनाया था जहाँ पाते थे. और ये जो वाल देख रहे हैं, इस वाल के अंदर उन्होंने नहर बनाई थी पानी आगे बढ़ाने के लिए, जो आगे से आप लोगों को क्लियर देखने को मिलेगी. शांति क्या शांति, शांति क्या शांति. क्या बताऊं वो कैसा वो दीवाना खूब है, सारी दुनिया से जुदा वो मेरा महबूब है. सेड़ता था अब मैं आके वो बड़ा है मन चला, मैं उसी का बनूंगी. ढूंढता है एक हसी लड़की.
कौन सा लोग सेकंड इसको 500-600 साल हो गया। तेरहवीं चौदहवीं सदी में वो लोग यूज कर रहे थे, 14 में वो लोग यूज कर रहे थे, अभी 22 लगने वाला है मुझे। तो 600 साल मान कर चलिए आप लोग। आगे साहब, आगे तो देखिए साहब, ये आप जो खुला मैदान देख रहे हैं, आप लोग खड़े हैं। हाँ जी, ये अभी आप लोग खड़े हैं इसमें खुले में। हाँ जी, उस समय ये पूरा पैक था जितना आप निकल के आए छत के नीचे। अभी अभी जो छत के नीचे आए ना, हाँ वैसे ही सब पूरा ये पैक था। ये छत हमारे सामने यहाँ का गिरा और हमारे सामने गवर्नमेंट ने इसका मटेरियल बाहर करवाया। अगर गवर्नमेंट मटेरियल बाहर नहीं कराती तो ये अभी तक और नीचे तक बैठ जाता, क्योंकि गवर्नमेंट बना तो नहीं रही है, जो दबाव है उसको ही क्लीन नहीं कर पा रही है। मैंने बताया ना, वो अभी पानी भरा गया बारिश का, उसमें ये यहाँ तक वाल तक मैं आपको ले आता अंडरग्राउंड, वहाँ से इतना मेरा देखा हुआ है नीचे का। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब काम चालू करा था लगाई थी नीचे हाई मास्ट, और करीब 1.5 साल काम चला था पूरा मिट्टी वगैरह निकाल करके। तो सेकंड फ्लोर का अभी जितना देखा उससे डबल हिस्सा उन्होंने ओपन किया है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये मांडू के इतिहास के ऊपर से ही किसी शायर ने एक शेर लिखा है, बोलिए उसके मायने आप समझ जाएंगे। इरशाद, इरशाद। क्या लिखा है शायर ने कि गुनहगार को सजा कहाँ मिलती है, गुनहगार को सजा कहाँ मिलती है, अनजाने मुसाफिर को राह कहाँ मिलती है। ताज बनाने का हौसला तो हमें भी है, शाहजहां तो बहुत मगर मुमताज। ये जो बिल्डिंग में अभी आए हैं अपन, अभी अपन जिस बिल्डिंग में आए इसका करीब 99% हिस्सा टूट चुका है, जो आप लोग देख रहे हैं। केवल सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं जो बना हुआ, और ये अभी अपन सेकंड फ्लोर पर खड़े हैं। इसका नीचे वाला हिस्सा आज भी दबा हुआ है, आज तक भी पता नहीं चला है। इस बिल्डिंग को शाही महल का नाम से जाना जाता है। बाज बहादुर ने रानी रुकमती के रहने के लिए ये बिल्डिंग बनवाई थी। यहाँ से रानी रुकमती डेली सुबह और शाम दोनों समय दर्शन और पूजा करने के लिए 7 किलोमीटर आगे जाती थी, जहाँ अपन लोग सुबह गए थे। बाज बहादुर को जब सूली पर चढ़ा दिया गया था तो रानी रुकमती ने इसी बिल्डिंग के अंदर हीरा चाट कर सुसाइड किया था। यहीं से उसकी डेड बॉडी वहां ले जाई गई थी, जहां पर बाज बहादुर को सूली पर चढ़ाया गया था। उसकी समाधि के बैक साइड में उसकी समाधि बनाई गई है, जो मांडू से 400 किलोमीटर आगे है, भोपाल के पास, शाजापुर सारंगपुर। आप लोगों के मोबाइल पे गूगल पे भी अपलोड है, वो आप लोग खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक गुंबद बना हुआ है, एक गुंबद बना हुआ है शाजापुर सारंगपुर, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। गुंबद के अंदर दोनों की समाधि बनी हुई है। तो ये वाला जो बिल्डिंग अपन आए ये देख रहे हैं आप, किस कैसा बना हुआ था ऊपर है। इसके नीचे वाला अभी तक ओपन नहीं किया है, और ऊपर वाले के ऊपर भी वो वाल होती थी जो साम सिक्योरिटी के हिसाब से। और ये जो रास्ते से अभी चल के आए हैं, ये रास्ता ओपन नहीं होता था, ये अंडरग्राउंड रास्ता था, बंद करके रखा जाता था। इस तरीके से बंद करके रखा जाता कि अगर उनको कहीं जाना हो इमरजेंसी तो इस तरीके से वो खोलते थे कि फट से वो दरवाजा ओपन हो जाता था। इस दरवाजे से वो अंडरग्राउंड जा करके वहाँ प्लान करते थे। ये उस वक्त यूज़ किया जाता था जब दुश्मन अटैक करते थे उस पीरियड में। ये जो वाल देख रहे हैं आप, ये वाल पूरी उस सोना करता मंगो दो, हाँ लोग हैं मंगो दो, गोल्ड तो उनके पास में आज भी उनके जमीन में दबे रहे कई, गवर्नमेंट ने निकाला। अभी अपन लोग जिस जगह पर आए हैं, इस जगह को नाट्य गृह का नाम दिया गया है। नाट्य गृह, वो लोग जब भी अपनी कोई खुशियां या प्रोग्राम अटेंड करते थे तो वो ये जगह होती थी, इस जगह। हाँ, यहाँ दो मार्बल के स्टेज एक जैसे बने हुए थे। पहला स्टेज ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला, और दूसरा स्टेज नीचे है। हाँ, ये सामने जिस छत पे खड़े वहाँ सामने देखेंगे गोल पिलर के निशान आज भी मौजूद है। अच्छा, तो ये वाला स्टेज कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए किया जाता था, और सेकंड वाला स्टेज खास थी। अच्छा, बाकी पूरा प्रांगण देख रहे हैं आप, उधर सामने वाला बीच वाला जो गेट देख रहे हैं, वहीं से रास्ते बनाए गए थे अंडरग्राउंड, जो लेडीज से प्रोग्राम अटेंड करना चाहते थे उनके आने जाने के लिए। अच्छा, इस नाटकों ने वही कारीगरी करी थी कि जो भी प्रोग्राम होता था लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। स्टेज के ऊपर कारीगरों ने इस तरह की कारीगरी करी थी कि स्टेज के ऊपर जो भी प्रोग्राम होता था लाउड स्पीकर जैसा आवाज पूरे प्रांगण में फैलता था। नाइट में वो लोग अगर कोई प्रोग्राम अटेंड करते थे तो ये बीच में जो ओपन हिस्सा देख रहे हैं गैलरी का, इतने ही बड़े उसमें शीशे, जितने बड़ी गैलरी थे उतने ही बड़े शीशे
बेलोरी बेलोरी उसके बैक साइड में उस साइड में वो लोग केवल दिए लगाते थे, दिए दिए उन दियों का आकार में आगे रिफ्लेक्ट 2000 वाल्ट का बल्ब जल रहा हो और रंग बिरंगे शीशे यूज किए जाते थे। अच्छा। तीन शीशे देख रहे हैं आप? हाँ, तीन देख रहे हैं। ये रंग बिरंगे शीशे लगाने के लिए। अभी ये 99% गिर चुका है, टूट चुका है, देख रहे हैं आप लोग। अभी भी इधर स्टेज पे से कुछ भी स्लो अपन बोलो उधर वाल के पास क्लियर सुनने को मिलता है। आज भी एकदम साइलेंट। हम लोग गोवाड़िया वालों का दरबार बनाया था वहां तक पहुंचता था हाथी ऊपर हाथी और दरबार के टाइम पर दूरजा को अगर बैठना होता था साइड वाली गैलरी यूज की जाती थी जिसके रास्ते इधर से बनाए गए हैं और उस बिल्डिंग में ऊपर जाने के आम रास्ते आ गए थे अंदर से भी और बाहर से भी। आ जाइए तो देखिए साहब यहाँ से आप लोगों को कुछ दूरी पर गोल देख रहे हैं उस गोल रेलिंग के नीचे भी एक वाटर टैंक बना हुआ है जिसका नाम दिया गया है चंपा बावड़ी। ये गोल रेलिंग बाद में लगाई गई है। रेलिंग के ऊपर देख रहे हैं आप वो वाल देख रहे हैं और वाल के ऊपर छत भी दिख रहा है। वैसे तो वैसे ये पूरा आगे तक बना हुआ था, पिलर आज भी लगे हुए हैं, पूरा छत बना हुआ था। आगे एक बड़ा गेट होता था, इधर से उस वाटर टैंक में प्रवेश किया जाता था। इस एरिया का सबसे गोपनीय रेसिडेंस उस वाटर टैंक के नीचे बना हुआ है, उस चंपा बावड़ी के नीचे, जो करीब 4-5 फ्लोर बैकग्राउंड नीचे तक फैला हुआ है। 350-400 मीटर की उसकी लंबाई है। उस गुप्त रेसिडेंस में जाने आने का रास्ता उस वाटर टैंक के अंदर से बनाया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी आज तक पता नहीं चला है कि उस वाटर टैंक के अलावा और कहीं से रास्ते हैं नीचे जाने के। बीच में से थोड़ा छत टूट गया है तो गवर्नमेंट ने वहाँ से रास्ता बना दिया है। कुछ टूरिस्ट वहाँ से नीचे जाते हैं, 80-100 फीट अंदर ही अंदर सबसे ऊपर वाला फ्लोर देख करके आगे निकल जाते हैं। गवर्नमेंट ने फर्स्ट सेकंड दो फ्लोर खोले हैं, सेकंड भी वो खोला है कुछ हिस्सा उसका, लेकिन सेकंड में जाने का टूरिस्टों को अलाउ नहीं करा है क्योंकि अपन अभी जैसे फर्स्ट देखेंगे ऊपर वाला, वहाँ से आप लोगों को दिखेगा नीचे कितना अंधेरा है। अंधेरे के कारण अभी गवर्नमेंट ने टूरिस्टों को अलाउ नहीं करा है। अभी अपन जैसे जाएंगे अपने को अंधेरा दिखेगा, उस समय उन लोगों को सनराइज से सनसेट तक पूरा दिन अंधेरा नजर नहीं आता था। जितना भी नीचे तक बनाया था उन्होंने इस तरीके से बनाया था कि सनलाइट जब सूरज निकल जाता था तो सन की लाइट हाई मास्ट जैसी चारों तरफ से नीचे तक पहुंचती थी और उस लाइट को देख करके वो बड़ी आसानी से अपनी गुप्त जगह पर चले जाते थे। जहाँ तक लाइट जाती थी वहाँ तक वो चले जाते थे, जहाँ लाइट नहीं जाती थी तो उनके पास में एक शीशा होता था बेलोरी, उस शीशे को सन की लाइट से कनेक्ट करते थे तो उजाला होता था। उनकी कस्टडी में कोई दुश्मन का गुप्तचर या सैनिक आ जाता था तो आंखों में पट्टी बांध कर लाते थे, उस वाटर टैंक में डालते थे और नीचे से उसको तहखानों में बंद करते थे। उनकी सेना के सामने अगर कोई दुश्मन की सेना आकर खड़ी हो गई है और इनको ऐसा लगता था कि दुश्मन ज़्यादा ताकतवर है, अपन सब लोग मारे जाएंगे, तो वो दुश्मन के आगे आगे आते थे भाग करके और उस वाटर टैंक पर जंप लगा करके नीचे बैठ जाते थे। जितना भी उनका रेसिडेंस बना हुआ है, नीचे जाने के बाद में उन लोगों के पास में जितना भी खाने पीने का नीचे स्टॉक होता था उतना समय वो नीचे निकाल लेते थे
और उसके बाद में भी उनको ऐसा लगता था कि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, अपना निकलना मुश्किल है। तो जो नीचे सबसे फ्लोर बना रखा था वहां से उन्होंने रास्ते बनाए थे पलायन करने के, जो जंगलों में निकल जाते थे। जंगलों में जाने के बाद में वो दुश्मनों के हाथ नहीं आते थे, क्योंकि हमारे मांडू का जो जंगल है वो मांडू के फोर्ट के आसपास से सीमित नहीं है। विंध्याचल पर्वत का नाम सुना होगा आप लोगों ने, विंध्याचल पर्वत हमारे मांडू के जंगलों से होता हुआ आगे गया है। उसकी कितनी लंबी श्रेणी है आप लोगों को मालूम होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ सबसे ऊपर वाला फ्लोर है जो क्लीन करके रखा है वो वाला हिस्सा अपन कुछ देख करके 80-100 फीट आगे निकल जाएंगे, और उधर से जब रिटर्न होंगे तब मैं आप लोगों को वो अटल चंपा बावड़ी का ऊपर वाला हिस्सा दिखाऊंगा। ऊपर से जब आप लोग देखेंगे तो उसमें कम से कम 8 से 10 गेट नीचे नजर आएंगे आप लोगों को। तो जो 8-10 गेट नीचे बने हुए हैं उसमें से आधे गेट होते थे अंदर एंट्री करने के, और आधे गेट होते थे दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए। अगर दुश्मन कोई नीचे जंप लगाकर नीचे जाने की कोशिश करता था और उसको दरवाजे नहीं मिलते थे, गेट नहीं मिलते थे, तो દરવાજા ખોટો છે, આ દરવાજો સાચો, એટલે એ સાચા દરવાજા ખોટા દરવાજામાં પોપોલતો હોય ને એટલે